हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जैमिन, आप देख रहे हैं टेक जैमिन। दोस्तों यहाँ पे दो स्मार्टफोन की कंपैरिजन वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको अंडर 15,000 के सेगमेंट में दोनों फोन देखने को मिल जाते हैं, तो कौन सा लेना चाहिए इसे मैं चाहूंगा। और यहाँ पे जो पहला जो फोन है वो यहाँ पे पोको का M5 जो फिलहाल अभी भी इंडिया में लॉन्च हुआ है, दूसरी तरफ हमारा वीवो का T1X। ये दोनों ही स्मार्टफोन आपको सेम प्राइस सेगमेंट में देखने को मिल जाता है, तो अगर आपको इस दोनों में से कोई फोन चूज करना हो तो कौन सा करना चाहिए इसे मैं चाहूंगा। वीडियो शुरू करने से भी बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दिए, मैं ऐसे वीडियो लाता रहूंगा। यहाँ पे हम दोनों स्मार्टफोन की कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं, तो पहले थी दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले, तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको सेम डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, यहाँ पे कोई कंपैरिजन देखने को नहीं मिलता। 6.58 इंच की फुल एचडी के साथ में आपको IPS LCD पैनल डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिसमें आपको 19 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे फ्रंट में आपको ड्यू ड्रॉप नॉच के साथ ये डिस्प्ले देखने को मिलती है, 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो, और फ्रंट में आपको कॉर्निंग ग्लोरिल ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। पीछे की तरफ यहाँ पे आपको प्लास्टिक की बॉडी देखने को मिल जाती है दोनों ही फोन में, लेकिन डिजाइन वाइज आपको दोनों फोन अलग देखने को मिल जाते हैं। ऑब्वियसली कंपनी अलग है तो यहाँ पे डिजाइन अलग ही होगा, लेकिन स्टिल यहाँ पे डिस्प्ले में कोई कंपैरिजन देखने को नहीं मिलती। आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सा फोन इसी प्राइस रेंज में लेना हो तो यहाँ पे परचेज कर सकते हो। बाकी डिजाइन वाइज अगर आप चूज करना चाहो तो मुझे पर्सनली यहाँ पे पोको का डिजाइन है वो बहुत ही अच्छा लगता है। बात करें दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की, यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है। पोको को M5 में आपको लेटेस्ट मीडियाटेक का हीलियो का G99 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो 6 नैनोमीटर बेस टेक्नोलॉजी में काम करता है। ऑक्टाकोर पावर है 2.2 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड है, और यहाँ पे मालिका G57 MC2 का आपको GPU देखने को मिल जाता है, तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे लेटेस्ट प्रोसेसर है और ये पहला ऐसा मीडियाटेक का प्रोसेसर होगा जिसमें आपको 6 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है अंडर 15,000 के सेगमेंट में, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे आपको वीवो का T1X है, इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 680 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो 6 नैनोमीटर बेस टेक्नोलॉजी में काम करता है। ऑक्टाकोर पावर है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड है, और यहाँ पे एड्रिनो का 610 का आपको GPU देखने को मिल जाता है, तो ऑब्वियसली CPU के मामले में और GPU के मामले में ये थोड़ा सा प्रोसेसर आगे निकल जाता है। लेकिन स्टिल यहाँ पे अंतत बेंचमार्क स्कोर है वो दोनों का इक्वल सा देखने को मिलता है, उसमें कोई फर्क नहीं है। हालांकि आपको गेमिंग करेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन दोनों में आपको गेमिंग अलग अलग थोड़ी बहुत ग्लिटरनेस देखने को मिल सकती है। बाकी परफॉर्मेंस वाइज दोनों फोन अपनी अपनी जगह पे ठीक है, उसमें कोई फर्क देखने को नहीं मिलता। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज की, बदलते यहाँ पे पोको का M5 में आपको दो अलग अलग वेरियंट देखने को मिल जाते हैं, 4GB की रैम 64GB की स्टोरेज और 6GB की रैम 128GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको LPDDR4X रैम का सपोर्ट और UFS 2.2 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे डेडिकेटेड स्लॉट भी है, 512GB तक एक्सपेंड कर सकते हो, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन स्टिल यहाँ पे वीवो के T1X में आपको तीन वेरियंट देखने को मिल जाते हैं, जिसमें 4GB की रैम 64GB की स्टोरेज, 4GB की रैम 128GB की स्टोरेज और 6GB की रैम 128GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है, तो ऑल टुगेदर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलता है। और यहाँ पे भी सेम आपको सपोर्ट UFS 2.2 की स्टोरेज और LPDDR4X रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, और यहाँ पे माइक्रो SIM कार्ड लगाने का ऑप्शन आपको डेडिकेटेड देखने को मिल जाता है, तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पे रैम और स्टोरेज के जो वर्जन है वो दोनों में बराबर देखने को मिल जाते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं। हाँ, यहाँ पे जो वेरियंट है वो थोड़े बहुत अलग अलग देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरे के, यहाँ पे भी आपको डिफरेंस थोड़ा बहुत ही है, ज्यादा फर्क नहीं है। पोको M5 में आपको यहाँ पे प्राइमरी 15 मेगापिक्सल का लेंस देखने को मिल जाता है F1.8 एपर्चर के साथ में, बाकी के जो दो कैमरे हैं वो यहाँ पे फालतू के मैक्रो और एक डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिलता है। ड्यूल टोन LCD देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे सिर्फ 10 तक की 13 FPS एक रिकॉर्डिंग करते हो AI सपोर्ट के साथ में, तो ऑब्वियसली कैमरा यहाँ पे सिंगल ही काम का है, बाकी के कोई काम के नहीं है। लेकिन स्टिल यहाँ पे वीवो के T1X में भी आपको वैसा ही सेम है, प्राइमरी 15 मेगापिक्सल का लेंस देखने को मिलता है, बाकी दो यहाँ पे सिंगल, एक दूसरा यहाँ पे 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे भी आपको सेम सपोर्ट के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन वो भी आपको सेम ही देखने को मिलता है। तो कैमरा के मामले में ऑब्वियसली मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि दोनों ही कैमरा सेम जो है सेटअप वो दोनों में बराबर है, ज्यादा फर्क नहीं। हाँ, ऑप्टिमाइजेशन और जो इमेज जो आपको ये प्रोसेसिंग है वो थोड़ा बहुत अलग देखने को मिल सकती है, बाकी ऑल टुगेदर यहाँ पे जो कैमरा है ऑन द पेपर वो दोनों में आपको सेम देखने को मिल जाते हैं। बात करें दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरे के, यहाँ पे भी आपको सेम 8 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है नॉच में, F2.0 एपर्चर के साथ में, HDR कैमरा और 10 तक की 13 FPS की रिकॉर्डिंग कर सकते हो, तो यहाँ पे भी आपको ऑन द पेपर आपको कोई भी फर्क देखने को नहीं मिलता, यहाँ पे सेल्फी कैमरा सेम ही है। हाँ, यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन में फर्क हो सकता है, क्योंकि वीवो की सेल्फी आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है एज कम्पेयर टू पोको, तो अगर आपको यहाँ पे अच्छी सेल्फी ज्यादा अच्छी लगती है तो ऑब्वियसली वीवो का फोन ले सकते हो,
बाकी ऑन द पेपर सेल्फी कैमरा सेम ही देखने को मिल जाता है। बात करते हैं पे दोनों स्मार्टफोन के बैटरी सॉफ्टवेयर की, बताते हैं यहाँ पे आपको दोनों ही फोन में आपको सेम 5000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है और सेम 18W की फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है और दोनों ही फोन में आपको एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे पोको के M5 में आपको MIUI 13 का कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है, वहीं पे वीवो के T1X में आपको फ्रंट टच OS 12 का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। तो ये एक फर्क है कस्टमाइजेशन, बाकी बैटरी और सॉफ्टवेयर है वो और चार्जिंग स्पीड वो भी आपको सेम देखने को मिल जाती है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कनेक्टिविटी सेंसर की, तो दोनों ही स्मार्टफोन अगर नॉर्मल सेंसर वो सभी सेंसर देखने को मिल जाते हैं। दोनों ही फोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। टाइप सी का पोर्ट है, 3.5 mm कॉर्ड एजेक, ट्रिपल स्लॉट का सपोर्ट देखने को मिलता है, ड्यूल बैंड वाईफाई का सपोर्ट और यहाँ पे पोको M5 में आपको ब्लूटूथ का 5.3 देखने को मिलता है, वहीं पे आपको वीवो T1X में आपको ब्लूटूथ का 5.2 देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे पोको M5 में आपको ड्यूल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिलता है, वहीं पे आपको वीवो के T1X में आपको सिंगल स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो कनेक्टिविटी सेंसर के मामले ऑब्वियसली थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज वीवो के फोन में देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे पोको M5 में आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं कनेक्टिविटी सेंसर के मामले में। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कलर एंड प्राइस की, बताएंगे यहाँ पे पोको M5 में आपको 3 अलग अलग कलर वेरियंट देखने को मिलते हैं, लेकिन प्राइस की बात करते हैं जो बेस वेरियंट है वो आपको यहाँ पे 12,500 रुपए की प्राइस फोन देखने को मिल जाएगा और दूसरा जो वेरियंट है वो आपको 14,500 रुपए की प्राइस फोन देखने को मिल जाएगा। और आप फर्स्ट सेल में परचेज करेंगे तो बहुत ही अच्छा 1500 रुपए का यहाँ पे डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा और इसकी जो सेलिंग है वो 13th of September को इसकी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी फ्लिपकार्ट पे। तो मैं इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां परचेज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे वीवो के T1X की बात करते हैं, यहाँ पे आपको 2 अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिलते हैं, लेकिन प्राइस की बात करते हैं जो बेस वेरिएंट है वो आपको 12,000 देखने को मिल जाता है, दूसरा जो वेरिएंट है वो आपको 13,000 के प्राइस में फोन देखने को मिल जाता है और तीसरा जो वेरिएंट है वो आपको 15,000 के प्राइस में फोन देखने को मिल जाएगा और इसकी भी सेलिंग आपको फ्लिपकार्ट पे देखने को मिल जाएगी। तो मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप परचेस कर सकते हो। ऑल ओवर आपके दोनों स्मार्टफोन की कंफ्यूजन की बात करें तो कौन सा फोन लेना चाहिए, तो यहाँ पे मेरा सजेशन होगा कि यहाँ पे सब कुछ सेम है, फर्क यहाँ पे डिजाइन और यहाँ पे परफॉर्मेंस, ये दोनों में आपको फर्क देखने को मिलता है, बाकी ऑल टुगेदर यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन आपको इक्वल देखने को मिल जाते हैं। हाँ, अगर आपको ड्यूल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट चाहिए तो यहाँ पे पोको M5 को कंसिडर करना चाहिए, अगर लेटेस्ट प्रोसेसर यूज करना है तो मुझे लगता है कि पोको का M5 वो बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको दोनों फोन में से कौन सा फोन पसंद आया, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, मैं ऐसी रोचक वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।